जय हिंद भाई। हाँ, देख रहा है ना सबको? तो ध्यान देना एक चीज़ कि यहाँ हम क्लास परसों लिए थे, तो उसमें डाले थे हम क्लास 12th का, और बुक का ऑब्जेक्टिव था, और यहीं से हम निकाल के लाए हैं फिर आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में। चलो आज शुरू करते हैं, और अच्छा क्लास लगे तो शेयर करिए, बाकी आप लोग का प्यार है ही साथ। ठीक है, ध्यान देना। ये है पहला क्वेश्चन, ये बुक का नाम है और ये ऑथर का नाम है। ठीक, ये आपका पता होना चाहिए। दो वो आपका किताब है, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश और एक जो चलता है जो सिंपल रेनबो। ठीक है, आगे चलें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बुक का नाम है द गाइड। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स होगा। कितना? 5 नंबर फिक्स। पहला क्वेश्चन है द गाइड। द गाइड कौन लिखा है? आर के नारायणा। आर के नारायणा कौन लिखा है? द गाइड कौन लिखा है? आर के नारायणा। बोलो मेरे साथ, द गाइड कौन लिखा है? आर के नारायणा। नेक्स्ट, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब ये हुआ, द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये कौन लिखा है? आर के नारायणा। ये भी कौन लिखा है? आर के नारायणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्मा क्या है? इम्मा, इम्मा कौन लिखा है? जेन ऑस्टेन। इम्मा कौन लिखा है? जेन ऑस्टेन। इम्मा कौन लिखा है मेरे साथ? बोलो, जेन ऑस्टेन। नेक्स्ट कहता है प्राइड एंड प्रीजुडाइस। प्राइड एंड प्रीजुडाइस कौन लिखा है? जेन ऑस्टेन। प्राइड एंड प्रीजुडाइस कौन लिखा है? जेन ऑस्टेन। इम्मा भी कौन लिखा है? जेन ऑस्टेन। नेक्स्ट कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी चलो पाकिस्तान का, नहीं कहते पाकिस्तान भागेगा तब कहेगा खुश है ना। ठीक, तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवांत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवांत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर, ओथिलो विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर और किंग लियर विलियम शेक्सपियर। इतने थे मेरे पास, और नेक्स्ट वीडियो में आपका और आएगा, कम से कम 10-15 और हैं। ठीक, और पेपर में आपका इतना सही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप मेरे पर भरोसा करिए और कॉपी में नोट्स करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।